रसोगी रंगोली की रसोई से आज आपको चूरे की दाल मोठ और गोंद की बर्फी नारियल वाली बनाना बता रही हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले चूरा लिया है, चूरे को मैं छान लूँगी। ये मेरा और मैंने देखिए छान लिया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दिया है और इसको काफ़ी गर्म कर लेना है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसी तरह मैं चूर मैंने करीब 250 ग्राम चूरा लिया है, मैं इसको सब पूरा फ्राई कर लूँगी इसी तरह से। मैं एक तरह से और बता दे रही हूँ कि बिल्कुल इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है और मैं इसमें थोड़ी सी राई डाल दूँगी और मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें जो मैंने मेवा काट के रखी थी, काजू बादाम और किशमिश, इसको थोड़ा सा भून लूँगी इसी घी में। और इसमें मैं चिनिया बादाम डाल दूँगी, मैंने रोस्ट करके रखा था और मैंने मखाने भी रोस्ट करके रखे हुए थे, ये भी मैंने डाल दिया है। और देखिए मैंने चूरा जो लिया था वो मैंने बासमती चूरा लिया था, आप कोई और चूरा भी ले सकते हैं। देखिए मेरे ये सब हो गया, मैं इसमें अब चूरा जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए चूरा, अब मैं इसमें काला नमक, सादा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और लाल मिर्ची थोड़ी सी डाल दूँगी। अब बस ये देखिए मेरी दाल मोठ बनके तैयार हो गई। अब मैं गोंद की बर्फी के लिए मैंने घी डाला है 2 चम्मच शुद्ध घी। इसमें मैं गोंद को तेज़ आंच में फ्राई कर लूँगी। देखिए मेरा गोंद भुन गया है। अब मैं इसको कागज़ में निकाल के मैंने इसको कोट लूँगी, थोड़ा सा तोड़ लूँगी इसको। देखिए तोड़ के ये अच्छा से मेरा गोंद बढ़िया बन गया है। अब मैं पानी डाल दूँगी कढ़ाई में, मैंने 4 से 5 चम्मच डाला है। 1 चम्मच मैंने, 1 कटोरी मैंने उसमें चीनी डाली है और मैं घी से इसको ट्रे को भी ग्रीस कर लेती हूँ। देखिए मेरी चीनी अब घुल रही है, देखिए घुल गई है। चीनी घुल जाने के बाद मैंने 2 कटोरी इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है, ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है, करीब 1/2 कटोरी। और जो मैंने बादाम, काजू और किशमिश रखा था वो डाल दूंगी इसमें। मैंने जो गोंद रखा था वो भी डाल दूंगी। और गोंद डालने में मैं थोड़ा सा कलर डाल देती हूँ, आप केसर वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया इसमें। मेरी बर्फी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैंने जो ट्रे में ग्रीस किया था मैं इसमें इसको जमा दूंगी। 1/2 घंटे के लिए करीब हमको इसको ठंडा करना होगा। देखिएगा मैं अब इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए मैं इसको काट लेती हूँ। देखिए अब इसमें मैं काजू बादाम से सजा दिया मैंने चूरे की दाल मोठ और नारियल की बर्फी दोनों सर्व कर दिया है।